अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि हाउ डीप लर्निंग वर्क और ये डीप लर्निंग के बैकग्राउंड में क्या मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है क्या साइंस इन्वॉल्व है बैकग्राउंड क्या है कौन सी चीज है जो डीप लर्निंग को उठाती है तो सिंपल लफ्जों में हम ये कहेंगे कि जो डीप लर्निंग है इसकी बेसिक जो है वो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स अब ये जो आर्टिफिशियल न्यूर नेटवर्क्स है ये e क्या इन्हीं को डीप लर्निंग कहते हैं इसका आंसर है नो no. जब हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की बात करते हैं तो जिनको अभी हम देखेंगे कि मल्टीलेयर पर सेप्ट्रॉन क्या है वो कहाँ पर यूज़ होता है और कैसे ये जो आर्टिफिशियल न्यूरो नेटवर्क्स हैं या मल्टी लेयर पर हैं वो डीप लर्निंग से कैसे डिफरेंट हैं तब हम देखेंगे कि क्या उनमें डिफरेंसेस हैं लेकिन फॉर द टाइम बिंग अब क्वेश्चन ये था कि क्या आर्टिफिशियल न्यूरो नेटवर्क और मल्टीलेयर पर सेप्ट्रॉन्स जो उसकी एक टाइप ही है डिफरेंट है डीप न्यूरो नेटवर्क से या डीप लर्निंग से आंसर इज यस कि वो डिफरेंट है कैसे जो आर्टिफिशियल न्यूरो नेटवर्क है उसमें अमूमी तौर पर क्या होता है हमारे पास एक न्यूर नेटवर्क्स की इनपुट लेयर होती है दरमियान में कोई हिडन लेयर होती है और बाद में आउटपुट लेयर होती है लेकिन अमूमी तौर पे जो हिडन लेयर्स हैं वो दो या तीन ही होते हैं ज्यादा नहीं होती जबकि डीप न्यूरल नेटवर्क्स में या डीप लर्निंग के जब आर्किटेक्चर्स की बात की जाती है तो ये जो दरम्यी हिडन लेयर्स हैं ये अब तकरीबन वन फिफ्टी तक चली गई हैं स्टार्टिंग फ्राम के पहले पाँच थी एलेक्टर जब आया तो पाँच ही लेट से उसके बाद फिर दूसरे फ्रेमवर्क आए तो बढ़ती गई और अब अमूमी तौर पर वन तक वो लेयर्स होती हैं हमारे पास तो हम बड़े आसान से डिफाइन कर सकते हैं कि डीप लर्निंग का जो आर्किटेक्चर है या फ्रेमवर्क है उसको हम अगर डीप न्यूर नेटवर्क कहें तो डीप न्यूर नेटवर्क का मतलब क्या है कि जो हमारे पास न्यूर नेटवर्क के अंदर लेयर्स हैं उनकी तादाद बढ़ा दी गई है अब वो क्यों बढ़ाई गई है इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉमन सा आंसर क्या बनता है आंसर कॉमन सा ही बनता है कि जितना ज्यादा हमारे पास डीप आर्किटेक्चर होगा या डीप लेयर्स होंगे उतने ज्यादा फीचर्स हम निकाल पाएंगे क्यों क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली फ़ीचर्स निकाले ऑटोमेटिकली फ़ीचर्स अंडरस्टैंड करे फ्रॉम गिवन डाटा और उसको अटैच करे आउटपुट डाटा के साथ इससे मुराद है कि अगर हमारे सिस्टम ने फेस डिटेक्शन करनी है तो वो खुद ही आइडेंटिफाई कर सके जैसे वो आराम से आइडेंटिफाई कर सके लो लेवल फ़ीचर्स कौन से हैं जैसे फेस फेस की अगर मैं बात करूँ तो लो लेवल फ़ीचर्स क्या होंगे हमारी कर्व्स होंगी शेप्स होंगी कलर होगा मिड लेवल फ़ीचर्स हमारे क्या होंगे मे बी हम कह सकते हैं कि हमारे पास आइज का क्या स्ट्रक्चर होता है नोज़ का क्या स्ट्रक्चर होता है फिर आईज नोज खुद के हाई लेवल फीचर्स होंगे तो जितनी ज्यादा लेयर्स होंगी उतने ज़्यादा हम फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे इन आवर लर्निंग आर्किटेक्चर इस तरह नेटवर्क ट्रेडिशनल न्यूरो मैंने अभी मटेरियल नेटवर्क है वो कंटेन टू टू थ्री हिडन वेयर एज इन वाइल्ड डीप न्यूरो नेटवर्क मनी एजन फिफ्टी हिडन लेयर्स

मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो ये वाला मॉड्यूल है इसमें हम डिफरेंस नहीं बता रहे कि मशीन लर्निंग क्या है और डीप लर्निंग क्या है वो हम डिटेल से किसी और मॉड्यूल में देखेंगे कि मशीन लर्निंग में क्या होता है डीप लर्निंग में क्या होता है अभी सिर्फ हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपके पास एप्लीकेशन कौन से ऐसे एप्लीकेशन या कौन से कंस्टेंट्स हैं जब आप मशीन लर्निंग को यूज़ करेंगे या कौन से ऐसे एप्लीकेशन या कंस्टेंट हैं जहाँ पर आप डीप लर्निंग को यूज़ करेंगे इससे मुराद अगेन मैं लेता हूँ रूल ऑफ थम क्या है कि कब आपको मशीन लर्निंग पर ही फोकस करना चाहिए और कब आपको डीप लर्निंग पर जाना चाहिए तो कॉमन सेंस ये कहती है कि जहां पे आपके पास डेटा की अमाउंट बहुत थोड़ी हो पहली चीज वहां पे आपको डीप लर्निंग पे नहीं जाना चाहिए जहां पे प्रॉब्लम कंप्लेक्स ना हो सिंपल हो बहुत सिंपल हो वहां भी आपको डीप लर्निंग को नहीं जाना चाहिए इसके अलावा क्या हो सकता है मैं दोबारा रिपीट करता हूं जहां पर डेटा कम है जहां पर प्रॉब्लम सिंपल है उन दोनों सूरतों में मशीन लर्निंग पे फोकस करना चाहिए डीप लर्निंग पे नहीं करना चाहिए इससे मुराद क्या है कि डीप लर्निंग कहां पे हमारे पास होगी जहां पे कोई चैलेंजिंग प्रॉब्लम हो और जहां पे हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद हो तब डीप लर्निंग यूजफुल होगी एज कम्पेयर टू तो मशीन लर्निंग के इसी तरह तीसरी चीज हमने यहां पे जो बताई थी वो थी क्योंकि डेटा हमारे पास ज्यादा है तो ला माला हमारे पास हार्डवेयर भी बहुत हाई क्वालिटी का होना चाहिए जीपी मौजूद होने चाहिए जब हमने डेटा को ट्रेन करना है यूजिंग डीप लर्निंग तो यहां पर हमने सिंपल यही कहा कि जी व्हेन चूजिंग बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग कंसीडर वेदर यू हैव अ हाई परफॉर्मिंग जीपीयू एंड लॉट्स ऑफ लेबल डाटा इफ यू डोंट हैव आइदर ऑफ थिंग्स इट मे मेक मोर सेंस टू यूज मशीन लर्निंग इंस्टेड ऑफ डीप लर्निंग तो सिंपल रूल ऑफ थम अभी तीन चीजें हम कर लेते हैं डेटा थोड़ा है मशीन लर्निंग प्रॉब्लम सिंपल है मशीन लर्निंग हार्डवेयर सिंपल है नो जी पी यूज नो हाई एंड कंप्यूटर्स सीपी यूज हाई एंड नहीं है सिंपल मशीन लर्निंग पर है डीप लर्निंग पर मत जाए अब है क्या डीप लर्निंग में थोड़ा सा अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें अभी हम डिटेल में भी देखेंगे कि जो हमारे पास मल्टीलेपर सेप्ट्रॉन्स हैं या जो भी न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर हैं उनकी डिटेल जब हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना चाहेंगे कि हमारे पास होता क्या है ह्यूमन ब्रेन में क्या हो जाता है ह्यूमन ब्रेन में हमारे पास होते हैं न्यूरस और ये क्या है जब ब्रेन की बात करते हैं तो ये बिलियंस ऑफ न्यूरोन्स होते हैं रफली हंड्रेड बिलियन न्यूर लट से मैंने कहा और ये जो न्यूरॉन्स हैं ये एक दूसरे से अटैच होते हैं और ये अटैच किसके साथ होते हैं सैनिप्सिस के थ्रू और सैनेप्सिस रफली कितनी है टू ऑफ हैं अब वो अगर हजारों लाखों में, हैं और में हमारे, हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा रफली हमारे पास क्या है होंगे जो बिल्कुल इन्फिनिट लेवल पे सैनपीज हैं जो सिस्टम परफॉर्म हमारा कर है अब इस इंफॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए यूजफुल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए अगेन पहले तो बहुत ज्यादा डाटा चाहिए ताकि हमारे पास हर किस्म का जो सिग्नल uh, है या जो सैनिप्स है वो टेस्ट हो सके डाटा का हमें क्या एडवांटेज होगा कि जितना ज्यादा डाटा होगा डिफरेंट फ्लेवर्स डिफरेंट पैरामीटर्स को हम टेस्ट कर सकेंगे दूसरा इसको मेंटेन करने के लिए प्रोसेस करने के लिए हाई एंड हमें सिस्टम्स चाहिए तो ये है बैकग्राउंड सिस्टम्स की अवेलेबिलिटी uh, के लिए अच्छा थोड़ा बहुत यहाँ पे फन के लिए या वैसे हमने बात की है आजकल काफी ये यूज़ भी होती हैं कि जी ब्रेन में कौन सा मॉडल यूज होता है क्या चीज़ यूज होती है तो बिल्कुल सिंपल शॉर्ट रखने के लिए दो किस्म के हमारे पास ब्रेन के स्ट्रक्चर हैं या दो पार्ट्स हैं एक लेफ्ट ब्रेन है एक राइट ब्रेन है जो लेफ्ट ब्रेन है वो हमारा लॉजिक को यूज़ करता है जैसे मैंने यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है लॉजिक से मुराद के एनालिटिकल थिंकिंग है हमारी लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन है हमारी ये सारी जो है वो लेफ्ट ब्रेन का काम है जिसको लॉजिक कहते हैं राइट ब्रेन जो है वो क्रिएटिविटी माइंड क्रिएटिविटी के लिए होता है क्रिएटिविटी से मुराद के लिए यहाँ पे अब हमें मशीन लर्निंग चाहिए होती है कि जी पैटर्न हमने आइडेंटिफाई करने हैं प्रडिक्शन हमने करनी है क्लासिफिकेशन लगानी है रीजनिंग हमने देखनी है लॉजिक के ऊपर हमने देखना है तो ये सारा हमारा राइट right ब्रेन का काम है तो यहाँ पे मैंने सिंपल इसको ये भी बताया कि ये वॉन ह्यूमन का आर्किटेक्चर है जो कंप्यूटर साइंस के बड़ा कॉमन सा आर्किटेक्चर है और ये न्यूरोमाफिक का आर्किटेक्चर है इसकी डिटेल फिर हम न्यूरोमाफिक कंप्यूटिंग में भी देखेंगे फाइनली हमारे पास क्या होता है ये सिंपल सा हम अगर इसको कंपेयर करें तो हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं

सैनप्सिस अच्छा इनसे ही फिर ये हमारे पास सेनेप्सिस जा रहे हैं यहाँ पे सैनपिस हम उड़ा है जो हमारे वेट्स आगे जा रहे हैं फिर ये अगली नोड्स हैं ये फिर सैनपसिस हैं फिर ये अगली नोड्स हैं फिर सैनप्सिस हैं ये अगली नोड है और इस तरह चलते चलते आउटपुट तक हम जाते हैं तो हमारे पास अब हो क्या है बेसिकली ये हमारे पास सिंपल नोड्स हैं इसको हम कह सकते हैं ये इनपुट की लेयर है और ये लेटर से हम कहते हैं अगर आउटपुट की लेयर है और ये दरमियान में हिडन लेयर्स हैं तो ये इस तरह का कुछ हमारा आर्किटेक्चर चल रहा होगा अगर हम डीप लर्निंग की बात करें या आर्टिफिशियल न्यूरो नेटवर्क की बात करें तो ये भी मैंने बिल्कुल बेसिक से इंट्रोडक्शन दिया है कि हमारे पास किस तरह के स्ट्रक्चर अभी हम आगे देखेंगे ऑन द अदर एंड हमारे पास ब्रेन की अगर हम बात करें तो क्या कर सकते हैं हम कह सकते हैं ये नोड है हमारा बेसिकली और इसके साथ साथ ये जो है हमारे ये सैनिक हैं बेसिकली या ये हमारे जो ये वाले पॉइंट वेट्स जिनको हम कह रहे थे वो ये चीजें अगेन ये वाला नोड है जहां सारी प्रोसेसिंग होनी है और ये इसकी फिर कनेक्टिविटी है अगले नोट्स के साथ कनेक्ट होने के लिए तो इस चीज़ को मैं सिर्फ शो करना चाह रहा था कि हमारे पास बेसिक नोट क्या है जिनको हमने बायोलॉजिकल टर्म में बात करें तो न्यूरॉन्स कहते हैं न्यूरॉन्स के हैं और उनके साथ सैनेपसिस। सैनेपसिस हम वेट्स हैं कि कैसे न्यूर जो हैं वो अगले न्यूरॉन्स का कनेक्टेड होते हैं ऑन लेफ्ट साइड के हैं नोट्स ने कहेंगे न्यूरॉन्स को और वो कैसे कनेक्टेड हैं थ्रू सम वेट्स वो अगले के साथ कैसे कनेक्टेड हैं तो ये सिंपल बताने का मकसद था